हेलो स्टूडेंट, टुडे वी सॉल्व एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर थर्ड शेष क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो है थर्ड हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का। फाइंड आउट क्या करना था इसका, क्यूब रूट। तो हमें इसका क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहले इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 5 10, इसको साइड में ही लिखते जा रहे हैं। 2 5 10, 2 2 4 एंड 5 3 2, और इसमें हमको क्या ऐड कर देना है, 93। इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसको ऐड कर देना है। तो 93 को हमने ऐड कर दिया, तो 9 14 3, यानी 343 अपान 125। ये हमारा मिक्स में था, इसको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। अब आपको ये मालूम ही होगा 343 जो है किसका क्यूब है। तो 343 क्यूब है आपका 7 का, 7 × 7 × 7। अगर आप नहीं जान पा रहे हैं तो इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं। और आपको शॉर्टकट इसके पहले वीडियो में हमने बताया है कि कैसे आप किसी भी संख्या का क्यूब रूट जो है शॉर्टकट में निकालेंगे, हाउ टू फाइंड क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर। आप हमारे वीडियो में प्लेलिस्ट में 8 क्लास 8 के ग्रुप में सर्च कर सकते हैं। अब 125 का क्यूब जो है अगर निकालेंगे तो आपका 5 × 5 × 5 आएगा, यानी 7/5। इस ये जो इम्प्रॉपर में है इसको मिक्स में बदल लेंगे, तो 5 × 5, दिस इज द आंसर। आप कहेंगे ये कैसे आ गया, तो 5 से हम डिवाइड करेंगे 7 को, तो 5 × 5 2 आया ना, तो 1/2 / 5, 1/2 / 5, ठीक है। तो दिस इज द क्यूब रूट। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, 6/3 × 300 / 3/512, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको मिक्स में बदल, मिक्स है तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलने के लिए इसका इसके मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें इसको ऐड कर देंगे। तब यहाँ पे लिखेंगे, तो 6 6 2 12 2 6 1 6 और 1 7 6 5 30, इतना आ गया। और इसमें 303 को ऐड करेंगे, 303 को ऐड करेंगे तो 3 5 7 3 3, यानी यहाँ पर आ जाएगा 3375/512। अब 3357 का हमको ये निकालना है क्यूब रूट क्या होगा। तो आपको मैं फिर से बता रहा हूँ कि इसको हम पहले बता चुके हैं कि कैसे आप शॉर्टकट में इसका जो है निकाल लेंगे, बिना प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले। तो अब यहाँ पर ग्रुपिंग करेंगे तो ये 3 का ग्रुप है, तो इसके फर्स्ट जो है 1 प्लेस पर क्या है, 5 है। तो इसका मतलब यह है जब भी इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो उसके 1 प्लेस पर निश्चित रूप से 5 ही होगा। अब बचा 3, तो 3 का हम देखते हैं, इसके 3 से ठीक पहले जो है परफेक्ट क्यूब क्या है, 1 है। इसका मतलब यह है कि ये पूरी संख्या जो है 5 का क्या है, 15 का क्यूब है, यानी 15 × 15/512, यानी 512। तो यह किसका आपका है, यह आपका 8 का है, 8 × 8 × 8। अब देखेंगे इसका एक 15 ले लिया और इसका 8 ले लिया, ठीक है। तो ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स में बदल लेंगे। तो आप देख लीजिए कैसे बदलेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे 15 को, 8 × 1 = 7 आ गया, यानी 1/7/8, 1/7/8, ये हमारा क्यूब रूट हो गया इस संख्या का। आते हैं, ये हमारा समाप्त हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, एस्टीमेट द क्यूब रूट। अब हमें क्यूब रूट को क्या करना, एस्टीमेट करना है। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, तो क्वेश्चन को हमने नोट कर लिया है, ये आपका 110592 का एस्टीमेट करना है क्यूब रूट। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इसका जो है एस्टीमेट करें, तो शॉर्टकट में अगर हम निकालें 3 का हमने ग्रुप बनाकर, ठीक है, हमने पहले क्या किया, इसका हमने ग्रुप कर दिया,
राइट हैंड राइट ये राइट साइड का ग्रुप हो गया या लेफ्ट साइड का ग्रुप हो गया, थ्री थ्री का सेट हम लगाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हम कि द डिजिट इन द वंस प्लेस, अब यहाँ पर देख रहे हैं जो डिजिट इन द वन प्लेस क्या है, टू है। तो इसका मतलब यह है कि जब इसका हम क्यूब रूट निकालेंगे तो इसके वंस प्लेस पर निश्चित रूप से हमारा क्या आएगा, ये आएगा। तो इसका काम सॉल्व हो गया, हमने शॉर्टकट में बताया था पिछले वीडियो में। अब आते हैं 110, अब ये देखेंगे कि 110 यानी हम इसको लिख सकते हैं कि 110 का जो है ठीक पहले कौन सा परफेक्ट क्यूब है, परफेक्ट क्यूब है। तो हम देख रहे हैं कि 100 जो है 10 से परफेक्ट पहले जो है परफेक्ट क्यूब है वो है 64, यानी 4 4 16 4 64। अब उसके बाद जो 5 का लिखते हैं तो 5 5 25 5 125, तो 125 इससे ज़्यादा है, यानी ये है 64 और 125 के बीच में। तो जो यानी 64 क्यूब रूट हो गया 4 और 125 क्यूब रूट हो गया 5, यानी 4 का क्यूब और 5 के क्यूब के बीच में है। तो सबसे छोटी संख्या जो होता है 4 हम ले लेते हैं, तो यानी 48 का ये क्या है, क्यूब है। तो अब इसको हमने किया कैसे, तो पहले क्या है द डिजिट इन द वन प्लेस, और आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं द डिजिट डिजिट इन द वन प्लेस इज 2। आप देख रहे हैं कि जो हम फर्स्ट ग्रुप में क्या है द डिजिट इन द वन प्लेस इज 2, और हमें मालूम है कि वी नो दैट द क्यूब ऑफ 2 इज 8, ठीक है, द क्यूब ऑफ 2 इज 8, ठीक है। तो विच हैज 8 इन वन प्लेस, विच हैज 8 इन वन प्लेस, ठीक है, मैं पूरा लिख देता हूँ।